एलडीसी भर्ती 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल हुआ जारी। 23/12/2019 से 7 फरवरी 2020 तक विस्तृत आवेदन फॉर्म इस प्रकार करें डाउनलोड। जी हाँ साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एलडीसी भर्ती 2018 जिनका टाइपिंग टेस्ट हो गया था, उन 18,000 अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वो 23 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, 23 दिसंबर 2019 से शुरू होने जा रहा है। पूरी खबर आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके साथ आपको पूरी खबर दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। और साथ में बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक विस्तृत आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो विस्तृत आवेदन फॉर्म कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, इस बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये देखिए दोस्तों, ये है एक कार्यालय आदेश शासन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आज ही जारी हुआ है। बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2018 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 17,451 व अनुसूचित क्षेत्र के 977 अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के 1.5 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। दिनांक 25/10/2019 को पात्रता एवं जहाँ चाहे दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों के रोल नंबर प्रकाशित किए गए थे। ये सूचियाँ पूर्णतः अस्थायी अंतिम हैं। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई टीम द्वारा की जानी है, यानी आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो शिक्षा विभाग की टीम करेगी। साथ ही पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में लिया जाना है। ये जो विस्तृत आवेदन पत्र है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, किस प्रकार किया जाएगा। इसी क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य 23/12/2019 से निम्नांकित सूची के अनुसार स्तंभ संख्या 1 में अंकित दिनांक को स्तंभ संख्या 2 में वर्णित समय पर स्तंभ 3 और 4 में अंकित रोल नंबर के अनुसार निर्धारित स्थान में सेंटर 1 अथवा सेंटर 2 पर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के है, ये डेट, ये टाइम, ये सेंटर, ये सेंटर 2। यानी 23/12/2019 से शुरू होगा, 10 बजे एक वेरिफिकेशन है, वो यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर 1 है, वो मैं दिखा देता हूँ। गुरु नानक संस्थान आदर्श नगर जयपुर है, और सेंटर जो 2 है वो राजकीय बालिका विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर जयपुर है। तो दोस्तों, आप अपने रोल नंबर देख लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है या 2 नंबर में आ रहा है, जिसके अंतर्गत आप आते हैं वो डाउनलोड। आप पहले तो सबसे पहले तारीख देख लीजिए, समय देख लीजिए, कब कहाँ आपको जाना है। पात्रता की जांच हेतु दोस्तों आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ये देखिए, अभ्यर्थी अपने संबंधित केंद्र क्रमांक पर तय सीमा समय सीमा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सपरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं लिपिक ग्रेड देते सहायक सीधी भर्ती 2018 के लिए जारी विस्तृत विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। विस्तृत आवेदन सपरीक्षा प्रपत्र व निर्देश विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है। मैं आपको दिखा देता हूं अभी, लेकिन पहले ये निर्देश हम जान लेते हैं। दूसरा है, विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में अलग अलग भरना है। ध्यान में रखें, 2 प्रतियाँ आपको चाहिए। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। विस्तृत आवेदन की केवल 1 प्रति के साथ 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से संलग्न करना है। आपको 2 आवेदन पत्र लेने हैं और 1 फोटो प्रति स्वीकार नहीं होगी, दोनों ही प्रिंट होंगे, और 1 के साथ 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर से ऑर्डर लगाना है, वो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, आयु श्रेणी, अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, विशेष श्रेणी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, अनुसूचित क्षेत्र, चरित्र, वैवाहिक स्थिति यानी जो भी है, आप उसके संबंधित सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा समय का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की समय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें। दोस्तों, ये तो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आप अपना रोल नंबर देख लीजिए और साथ में सेंटर भी देख लीजिए, 1 नंबर में है या 2 नंबर में, 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ले चलता हूँ बोर्ड की साइट पर, जो कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान है जयपुर, उसकी साइट पर ले चलता हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है।
देखिए दोस्तों, हम बोर्ड की वेबसाइट पर आ गए हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूँगा, तुरंत आपको ले चलता हूँ। यहाँ एक तरफ ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन, दूसरी तरफ न्यूज़, और एक तरफ यहाँ आ रहा है ये, देखिए थ्री डॉट आ रहे हैं ये इस साइड में। अगर आपको ये जो मैंने बताया है रोल नंबर का वो डाउनलोड करना है तो न्यूज़ नोटिफिकेशन में जाइए, और आपको विस्तृत आवेदन डालना है तो विस्तृत आवेदन के लिए यहाँ जाइए जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ लिखा है होम, अबाउट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस नोट, डाउनलोड, कैंडिडेट कॉर्नर। ये देखिए यहाँ लिखा आ रहा है कैंडिडेट कॉर्नर, इसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का सब ऑप्शन खुलेंगे जिसमें सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सब आपको नज़र आएंगे। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जहां आपको कैंडिडेट कॉर्नर के अंतर्गत ये दूसरे नंबर पर जो आ रहा है डिटेल सिक्योरिटी फॉरम, ये आपको डाउनलोड करना है। साथ में अगर आप चाहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फॉरम है वो इसमें मिलेगा डिटेल सिक्योरिटी फॉरम के अंतर्गत। तो मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आवेदन फॉर्म हमारे सामने वो शो हो गया है। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले एक बार आप पढ़ लें। जैसे आवेदन पत्र शुल्क, अभ्यर्थी 100 रुपये के विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क के अनुरूप भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करें, जो पहले ही बता दिया है। इसी प्रकार ये जो आवेदन फॉर्म है इसमें जो भी दिशा निर्देश है, आयु संबंधी है या आचरण संबंधी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जो भी है वो आप पढ़ लीजिए। और इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ वो विस्तृत आवेदन फॉर्म जो आपको भर के ले जाना है। ये है वो आवेदन पत्र जो आपको दो पद प्रति में लेके जाना है, जहाँ आपका हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो होगा। ये रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक, पोस्टल ऑर्डर नंबर, विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद का नाम, विभाग का नाम, इस तरह आपको ये जो आवेदन है वो भरकर लेके जाना है। और ध्यान में रखें ये जो पत्र है वो दो प्रतियों में भरकर लेकर जाना है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।